नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे सच्चे धर्मवीर की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपना तन मन पूर्ण रूप से समाज की रक्षा को समर्पित कर दिया था। वे सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के एकमात्र पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो आगे चलकर सिखों के दसवें और अंतिम गुरु भी बने। सन 1675 में कश्मीरी हिंदुओं को तलवार की नोक पर औरंगजेब जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर रहा था और उनके मंदिरों को तोड़फोड़ रहा था। हिंसा और डर के इस माहौल में कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर से रक्षा की गुहार की। वे उनकी मदद करने राजधानी दिल्ली गए और जाने से पहले अपने सिर्फ 9 साल के बेटे को सिखों का उत्तराधिकारी और दसवां गुरु नियुक्त किया। परंतु दिल्ली में ही गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के हाथों बड़ी क्रूरता से मारे गए जब उन्होंने स्वयं का धर्म त्याग इस्लाम को अपनाने से इनकार किया। 9 साल की छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह के कंधों पर सिखों के उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी आ गई, जिसे उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी और बहादुरी से निभाया। औरंगजेब के कई प्रयासों के बाद भी गुरु गोविंद सिंह उनके नियंत्रण से बाहर थे। उनके नेतृत्व में सिख सैनिकों ने मुगलों के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर हो रही जागतियों के विरुद्ध कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी। इन्हीं रंजिशों के तले मुगल औरंगजेब ने गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटों को और उनकी 80 साल की बूढ़ी माँ को सरहिंद शहर के किले में कैद कर लिया। उन तीनों को कई महीनों तक यातनाएं देकर, यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह जी की मौत की झूठी खबर तक देकर इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की गई। जब वे नहीं माने तो बूढ़ी माँ की निर्दयता से हत्या कर दी गई और दोनों छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में पूरी प्रजा के सामने चिनवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म के रक्षण और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी। एक के बाद एक किले जीतते हुए जब गुरु गोविंद सिंह जी सरहिंद शहर पहुंचे, तो सैनिकों को अपने गुरु के पुत्रों और माता की निर्मम हत्या की याद आ गई, और यह भी कि किस प्रकार वहां के लोगों ने बच्चों की हत्या का नजारा बिना विरोध के देखा। आक्रोश से भरे सिख सैनिक बोले, हम इस शहर को आग लगा देंगे, इसे नष्ट कर देंगे। यह सुनकर गोविंद सिंह जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भाइयों, मैं तुम्हारे मन की स्थिति को समझता हूँ, मगर जरा सोचो, शहर की जनता ने तो कोई पाप नहीं किया, तो क्या हम उनसे बदला लें, उन्हें कष्ट पहुँचाएं? यह तो अन्याय और अधर्म है ना? यदि कोई अधर्म का आचरण करेगा तो क्या हम भी उसका अनुसरण कर उन जैसे बन जाएंगे? सच्चे धर्मवीरों को अनुचित कर्म करना कदापि शोभा नहीं देता। रही बात हमारे बच्चों को दीवारों में चुनवाने की, हमने उसका आघात तो सहन कर लिया है, अब हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ना कि उनकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। हमने हथियार अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठाए हैं, ना कि प्रतिशोध की भावना से। प्रतिशोध लेकर धर्म युद्ध समाप्त नहीं होता। ये हथियार हम तब तक चलाएंगे जब तक हमें नीति में कोई सुधार नहीं दिखाई देता। ज्यों ही हमारा शत्रु अपनी रीति और नीति में सुधार करता है, त्यों ही हमारी लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ गुरु गोविंद जी ने अपने सैनिकों में उपजे जनता के प्रति द्वेष की भावना को शांत कर एक बार फिर उन्हें धर्म की राह पर मोड़ दिया। स्वयं के परिवार या हित को पीछे छोड़ जिन्होंने खुद उदाहरण बन सिखों को धर्म की राह पर चलना सिखाया, ऐसे सच्चे धर्मवीर और भारत माता के सच्चे पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी। दीदी, हम भी गुरु गोविंद सिंह जी की तरह सच्चे भारत माता के पुत्र बनेंगे, अन्याय के सामने डटकर खड़े रहेंगे और दुर्बलों की सहायता करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अन्याय और अधर्म के सामने झुकने वाला भी अपने और दूसरों के प्रति अन्याय ही कर रहा होता है। परंतु इसी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लड़ाई हमेशा अधर्म के विरुद्ध होनी चाहिए, ना कि प्रतिशोध के लिए। इसी सीख के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय मां भारती। जय मां भारती।